नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बहुत ही रोचक एक कहानी लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ मैं। शीर्षक है बाज और सांप। यहाँ वीरता और कायरता के भाव को दर्शाने के लिए बाज और सांप को प्रतीक बनाया गया है। देखिए, सांप का निवास स्थान समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की एक गहरी गुफा में सांप रहता था और चट्टानों से बार बार लहरें आके टकराती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियाँ भी एक नदी बहती थी और नदी बड़े वेग से समुद्र की ओर जा रही है और समुद्र की ओर जा रही है और समुद्र का मिलाप जहाँ होता है, लहरें दूध के समान सफ़ेद झाग बनाती है। सांप इसी गुफा में बड़ी प्रसन्नता से रहता है, सोचता है कि लहरों की गर्जन, आकाश की जो छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बलखाती नदी की गुस्से भरी आवाज़ें आदि होते हुए भी वे गुफा में सुरक्षित है। मतलब वो बाहर नहीं निकलना चाहता, वो अपनी गुफा का राजा है। और एक दिन घायल बाज जो है वहाँ आकर के गिरता है, वो बहुत खून से लथपथ है। बाज को देख करके सांप एक बार तो जो है घबरा जाता है, लेकिन सोचता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसके पास जाकर के पूछता है कि इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर ली। बाज द्वारा अपने लंबी सांस भर करके बाज जवाब देता है कि उसका अंतिम समय पास है, लेकिन उसे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। उसने जीवन का खूब आनंद उठाया है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को उसने छुआ है। कहने का मतलब, उसने जितना जीवन जिया है बेटा, उतना वीरता से, साहस के साथ और खूब खुशी के साथ जिया है। सांप सोचता है कि आकाश में ऐसा क्या है, ठीक है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं आकाश में क्या है। अब सांप दार्शनिक भाव से भी सोचता है कि उड़ने और रेंगने में कौन सा अंतर है, अंत में तो सबको मरना ही है, सबका शरीर धरती की मिट्टी में विलीन होना है। तो बाज जो है, एक तरह से बाज अपना सिर उठाकर सांप की गुफा की ओर दृष्टि घुमाता है और वहाँ देखता है कि सीलन है, अंधेरा है, दुर्गंध है और न जाने ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों से पड़ी कोई चीज़ जो है सड़ रही है। बाज जो है तब भी, अब इतना देख कर के भी बाज जो है वो यही कहता है कि एक बार फिर वो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, सुख स्वतंत्र रहना पसंद है। तो सांप के मन में भी बाज की इच्छा देख करके उड़ने की इच्छा पैदा होती है। वो भी सोचता है कि न जाने उड़ने में ऐसा क्या सुख है, क्यों ना मैं भी उड़ करके देखूँ। तो सांप का जो है बाज को उत्साहित करना, एक तरह से हम देखते हैं सांप ने बाज को उड़ने की इच्छा को पूरा करने के लिए उत्साहित किया और किनारे चट्टान तक गया और पैरों की शक्ति उसे आकाश में उड़ा सके प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। तो बाज में एक नई आशा आती है और वह जो है घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान पर पहुँचता है और खुले आकाश को देख करके खुश होता है। उसकी आँखों में चमक आ जाती है और वो पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ता है। बाज अपनी जिजीविषा के कारण आकाश की ऊंचाइयों को पाने को चला था, लेकिन टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर के बोझ को संभाल सके। वह लुढ़कता हुआ नदी में गिर गया और लहर ने उसके पंखों के खून को ढो डाला, शरीर को झाग से ढक दिया। फिर लहरें बाज को अपने आप में समेट करके सागर की ओर ले गई। तो इस तरह से लहरों ने बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया, वे उसे असीम सागर में ले गई। अब बाज ने जब सांप बाज आकाश में उड़ने की अपनी अपार इच्छा से सांप भी जो है बेचैन होता है और उसमें सोचता है कि ऐसा क्या है, क्यों ना वो भी आकाश में उड़ करके देखे। तो उसने भी अपने शरीर को सिकोड़ा, आगे की ओर रेंगकर आकाश की शून्यता में छोड़ा, उड़ने का प्रयास किया, लेकिन रेंगने वाला प्राणी था, चाहते हुए भी उड़ नहीं पाया और धप से चट्टान से गिर गया। तो सांप को उड़ना भाया नहीं तो पक्षियों को वो मुर कहने लगा। मतलब वही ना कि अगर अंगूर हाथ नहीं आते तो हम कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, वही बात हुई। तो उसको लगा कि वह अपनी गुफा में ही जो है खुश है, सुरक्षित है, उसके जीवन को कोई जो है खतरा नहीं है। तो सांप को बाज अभागा लगने लगा और आज़ादी प्राप्त करने हेतु प्राण गवा बैठा। जो कि सांप ने अचानक सुना कि चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ आ रही है। लहरों ने गीत गाया कि जो जान हथेली पर रखकर अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आगे की ओर वीरता से बढ़ते हैं, जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं, बहादुरी से डटे रहते हैं, उनका यशोगान हर कोई करता है। कहने का अर्थ, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो बाज है वो वीरता का प्रतीक है। उसने जिस तरह से जीवन जिया उसको एक तरह का प्रशंसा का भाव मिल रहा है, एक एप्रिसिएशन मिल रहा है उसे। तो इस तरह से लहरों का कहना है कि निडर बाज ने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना खून बहाया और वह सदा अमर रहेगा। उसके साहस के, वीरता के, उसकी शक्ति के, उसके शौर्य के गीत जो हैं वो गाए जाएंगे। बाज का नाम गर्व से और श्रद्धा से लिया जाएगा। तो बाज ने मरकर लोगों को यही संदेश देना चाहा है कि मनुष्य को साहसी और बहादुर बन करके
जीवन में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए ना संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष की प्रेरणा इस कविता का, इस पाठ का प्राण है। तो आप भी बाज के जैसे यशो वीर बने, साहसी बने, पराक्रमी बने और जीवन को पूरी उमंग से जिए। धन्यवाद।